उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक 24 साल के लड़के ने अपनी माँ की हत्या कर दी। घटना की सूचना आरोपी के पिता ने पुलिस को दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया। पुलिस ने 52 साल की महिला चंदा देवी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आरोपी बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ हो रही है। आरोपी 24 साल का अजय अपनी मां 52 साल की चंदा देवी और पिता के साथ देहरादून में किराए के मकान में रह रहा था। ये परिवार मूल रूप से चंपावत जिले का रहने वाला है। अजय बीते कुछ वक्त से अपनी मां और पिता से नाराज रहने लगा था। उसने देर रात अपनी मां की हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी अजय ने आर्मी में तैनात अपने बड़े भाई को इस बारे में सूचना दी। आरोपी के पिता ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। आरोपी के पिता आर्मी से रिटायर हैं, वो IMA में नौकरी करते हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी को अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम की बीमारी है। आरोपी ने जो पुलिस को बताया उसने सबको सकते में डाल दिया है। इस पूरे मामले पर आरोपी ने कहा कि उसे बीमारी है। जब उसने इंटरनेट पर अपनी बीमारी के बारे में सर्च किया तो उसे पता चला कि बीमारी स्लो पॉइजन देने से होती है। इस पर उसे अपनी माँ पर शक हो गया। उसे लगा कि उसकी माँ उसे खाने में स्लो पॉइजन दे रही है और इसी के चलते अजय ने अपनी माँ को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। रामनगर थाने से बड़ा सनसनीखेज मामला आया कि जिसमें एक बेटे द्वारा अपनी माँ का गला दबाकर हत्या कर दी गई। क्योंकि जब समस्त प्रकरण की जानकारी की गई तो जो ये पता चला कि जो युवक था 24 साल का, वो पढ़ाई भी कर रहा था और लेकिन उसको एक बीमारी से अल्सराइटिस कोलाइटिस उसको कुछ बीमारी थी जिसके कारण वो काफ़ी परेशान रहता था। और उसने इंटरनेट पर उस चीज़ों को सर्च किया तो उसको ऐसा उससे ज्ञान जो मिला उसको ऐसा लगा कि उसको लगातार कोई स्लो पॉइजनिंग के थ्रू अगर कोई चीज़ दी जाती है लगातार तो उससे ऐसी स्थिति बनती है। और इसके आधार पर चूंकि उसको अपनी माँ पर ऐसे शक हुआ जो चीज़ गलत थी और आवेश में आकर जो है रात्रि में अपनी माँ का गला दबा दिया। हाँ, जैसा भी जानकारी मिली कि कुछ उसको प्रॉब्लम थी लेकिन कोई ऐसे मानसिक रूप से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो इंटरनेट पर अपनी चीज़ों को अपनी जो उसकी परेशानी थी या बीमारी से परेशान था उसको जब उसने सर्च किया जैसा उसका बता रहा है, सर्च करने के बाद उसको ऐसा लगा कि लगातार धीरे धीरे खाने में अगर कोई स्लो पॉइजनिंग मिला दी जाए तो ऐसी स्थिति बनती है। और उसको ये शक था, उसने बताया भी पूछताछ में कि चूंकि उसकी मदर ही उसको खाना देती थी इसलिए उसको आवेश में आकर और दिग्भ्रमित होकर उसने इतना बड़ा कृत्य कर दिया। इस पूरे मामले पर देहरादून के SSP अजय सिंह ने बताया कि युवक ने इंटरनेट पर अपनी बीमारी के बारे में सर्च किया था। इसमें उसे पता चला कि लगातार स्लो पॉइजन दिए जाने से ऐसी स्थिति बनती है। इसके बाद वो अपनी माँ पर शक करने लगा और इसी बात को लेकर गुस्से में उसने अपनी माँ की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस कातिल बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की अब जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।